Good morning, student. In this video, we will study about mechanism of stomatal movement. Okay, what is stomatal movement? Opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata is called stomatal movement. Student, you need to remember that stomata open during daytime and stomata close during night. Then various theories are given regarding to it. First is starch sugar interconversion theory. यानी ये जो है बताया किसने था? This theory was proposed by Sayre. देखिए, according to Sayre, उन्होंने कहा था कि जो starch है ये guard cell में present है. Day time में it converts into sugar. अब शुगर में भी किस फॉर्म में? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट. स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू शुगर ड्यूरिंग डे टाइम. अब इस टाइम पर क्या कंडीशन है? पीएच जो है वो क्या है? हाई है. एट पीएच 7.5 हम कहेंगे कि हाई पीएच पर स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है? शुगर में. और शुगर जब गार्ड सेल में प्रोड्यूस हो रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन हाई हो गई है. सॉल्यूट बन गया है, कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर विल हाई. एज ए रिजल्ट एंडोस्मोसिस हैपन. और एंडोस्मोसिस होने से गार्ड सेल विल टर्जिट एंड स्टोमेटा ओपन. अब उन्होंने स्टोमेटा क्लोज के लिए क्या बताया था? कि जो शुगर है यानी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इट कन्वर्ट्स बैक इनटू स्टार्च एट लो पीएच. अब उन्होंने ये क्या क्लेरिफाई किया कि ये पीएच लो कैसे हो गया? उन्होंने ये कहा कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं होता ड्यूरिंग नाइट तो CO2 एक्यूमुलेट हो जाती है. CO2 एक्यूमुलेट होके ये वाटर से रिएक्ट करती है और फॉर्म करती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड. तो H2CO3 प्रोड्यूस होने की वजह से पीएच लेवल क्या हो जाता है? लो हो जाता है. और जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में. और जैसे ही शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हुई है देन स्टोमेटा क्लोज. बट इस थ्योरी को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज इसका ऑब्जेक्शन किया था कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च इज एब्सेंट इन सम मोनोकोट्स लाइक अनियन. सम मोनोकोट्स में ये एब्सेंट होता है तो उसमें ये कैसे होता है प्रोसेस? तो इसलिए इस थ्योरी को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया था. इसे क्यों कहते हैं? इसे स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस. स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू शुगर एट डे टाइम एट हाई पीएच. एज ए शुगर की वजह से ओपी हाई, एंडोस्मोसिस एंड स्टोमेटा ओपन. और ये इसकी रिवर्स जो रिएक्शन है इट हैपेंस इन नाइट. शुगर कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च एट लो पीएच. ओके स्टूडेंट, दैट थ्योरी स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी. स्टीवर्ट ने क्या किया था? जो स्टार्च जो सायरे की थ्योरी थी उसे ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था क्योंकि सायरे ने बताया था कि स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एट डे टाइम. और स्टीवर्ट ने कहा कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर हाई नहीं होता. ग्लूकोज 1-फॉस्फेट किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में. ठीक है, ये ग्लूकोज में कैसे चेंज हुआ? पहले ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम. एंड देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम. फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा? रिमूव कर देता है फॉस्फेट को तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज ए प्रोडक्ट मिलता है. तो उन्होंने कहा था जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है गार्ड सेल में बिकॉज ऑफ ग्लूकोज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल राइजेस. एज ए रिजल्ट एंडोस्मोसिस हैपन. और एंडोस्मोसिस अगर होगा तो गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड स्टोमेटल पोर ओपन्स.
और इसी का इन्होंने रिवर्ट बता दिया कि ग्लूकोज है वो ड्यूरिंग नाइट किस में चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। तो इन्होंने स्टीवर्ट ने थ्योरीज को थोड़ा सा इस जो सायरी की थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था। तो वही सेम ऑब्जेक्शन राइज हुआ कि स्टार्च इज एब्सेंट इन सम मोनोपोड, देन उसमें स्टोमेटा फिर कैसे ओपन और क्लोज होंगे, स्टार्च इज एब्सेंट इन सम मोनोपोड्स लाइक अनियन। तो इस थ्योरी को भी कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर योर एग्जाम्स टू। नेक्स्ट थ्योरी इज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय लेविट इन 1974। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविट, यहाँ पर देखिए पोटेशियम का मेन रोल है। उन्होंने ये कहा था कि ये है सब्सिडरी सेल और यहाँ पर ये प्रेजेंट है गार्ड सेल। अब यहाँ पर कि पोटेशियम आयन का तो इन्फ्लक्स होता है गार्ड सेल में और यहाँ से एच आयन जो है वो कहाँ एफ्लक्स होता है सब्सिडरी सेल में, तो इसकी वजह से ही स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन गार्ड सेल, मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन गार्ड सेल। अब मैलिक एसिड है जो हाईली रिएक्टिव है, इट ब्रेक्स इनटू मैलेट एंड एच आयन। ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन गार्ड सेल एंड इट ब्रेक्स इनटू मैलेट एंड एच आयन। अब एच आयन कहाँ प्रेजेंट है, गार्ड सेल में। अब यहाँ पर ये जो एच आयन है यहाँ पर मैलेट और एच आयन की वजह से इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक मिनट, एच आयन जो है ये एफ्लक्स यानी ये बाहर की तरफ मूव करता है किसमें, एडजेसेंट जो सेल है सब्सिडरी सेल में, और सब्सिडरी सेल में कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है एक्टिव, एक्टिव मीन्स हो गया यूजिंग एटीपी एनर्जी, यानी एटीपी का यूज़ करके पोटेशियम आयन है वो तो गार्ड सेल में एंटर होता है, ये गार्ड सेल में एंटर हो गया और गार्ड सेल में मैलेट से रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट। अब पोटेशियम मैलेट जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत हाई है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा पोटेशियम मैलेट पे तो ये अपनी जो गार्ड सेल है वो एडजेसेंट सेल से वाटर लेगी, यानी क्या होगा उसका डीपीटी हाई हो गया गार्ड सेल का, दैट इट नीड्स वाटर फ्रॉम एडजेसेंट सेल, तो क्या होगा एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस होने से गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड स्टोमेटल पोर ओपन्स। अब यहाँ पर ये मैलिक एसिड प्रोड्यूस कहाँ से हुआ गार्ड सेल में, देखिए ड्यूरिंग डे टाइम कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनका ग्लाइकोलाइसिस होता है और एक केमिकल बनाते हैं दैट इज फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड। कार्बोहाइड्रेट से क्या फॉर्म हो रहा है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड। फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड CO2 से रिएक्ट करके बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एसिड। तो हमें मैलिक एसिड से ही याद रखना है। अब यहाँ पर जो पोटेशियम आयन जो है वो एंटर हुआ था किसमें, गार्ड सेल में, यहाँ पर किसके थ्रू हुआ था, एटीपी के थ्रू, बट जो एच आयन गया था किसमें गया था, ये सब्सिडरी सेल में गया था, ये जो यहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं हुई है ये किसके थ्रू गया था, डिफ्यूज़न के थ्रू, यानी ये अपनी जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा। तो पोटेशियम ने किसके साथ यहाँ पर जो आयन ट्रांसपोर्ट हुआ, पोटेशियम का हाइड्रोजन आयन के साथ, प्रोटॉन के साथ ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इस एक्टिव पोटेशियम आयन, यहाँ पर एक्टिव
एंड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओनली पोटेशियम का हो रहा है, जो प्रोटॉन जा रहा है या आ रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही जा रहा है। तो पोटेशियम आयन की एंट्री की वजह से ये पोटेशियम मैलेट से रिएक्ट करता है एंड फॉर्म पोटेशियम मैलेट, एज ए रिजल्ट ओपी हाई, एंडोसमोसिस हैपन, गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड स्टोमेटा लो अपन। ये कब होता है? ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसी का ही जो रिवर्ट रिएक्शन है, जो रिवर्स रिएक्शन है वो नाइट में होती है, जिससे स्टोमेटा क्लोज होते हैं, वो भी देखते हैं हम। देखिए, ड्यूरिंग नाइट में एक प्लांट हार्मोन एक्टिव हो जाता है जिसका नेम है एब्सिसिक एसिड, एबी। इस एब्सिसिक एसिड की वजह से जो पोटेशियम जो आयन है ये गार्ड सेल से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने लगता है? सब्सिडरी सेल में। अब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा तो फिर इस जो आयन्स को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन आयन कहाँ एंटर होगा? गार्ड सेल में। तो गार्ड सेल में वापस से जब ये प्रोटॉन आयन एंटर होगा तो एच आयन इंक्रीज होने की वजह से, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से उसका पीएच लेवल हाई हो जाएगा, यानी मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है, पीएच कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और देखिए, पोटेशियम मैलेट ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? पोटेशियम और मैलेट आयन। पोटेशियम कहाँ जाएगा? सब्सिडरी सेल में। और वहाँ से कौन आएगा? एच आयन आएगा कहाँ पर? गार्ड सेल में। और गार्ड सेल में ये जो एच आयन है ये मैलेट से रिएक्ट करके वापस से क्या बना लेगा? मैलिक एसिड। जब इस तरह से ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, यानी पोटेशियम बाहर जा रहा है वापस से जो एच आयन अंदर आ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, यानी एक्सोस्मोसिस होगा। और एक्सोस्मोसिस होने की वजह से जो गार्ड सेल है इट बिकम फ्लैसिड और स्टोमेटल पोर क्लोज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि CO2 का भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया ड्यूरिंग नाइट, और CO2 का एक्यूमुलेशन हाई हो गया, तब उस टाइम पर ये एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाता है। CO2 के एक्यूमुलेशन से ये यहाँ पर ये सब स्टोमेटल कैविटी जो होती है उसमें ये CO2 एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसी टाइम ही एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाता है। और एब्सिसिक एसिड जो है वो पोटेशियम आयन के जो ट्रांसपोर्टेशन को कहाँ पे करता है? फ्लेक्स, यानी जो स्टिमुलेट करता है टू मूव इनटू सब्सिडरी सेल। और वापस से प्रोटोन आयन किस में आता है? गार्ड सेल में। प्रोटोन आयन मैलेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैलिक एसिड। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिक्रीज, एज ए रिजल्ट एक्सोस्मोसिस हैपन, एंड जो वाटर की जगह एग्जिट होने लगेगा तो गार्ड सेल कैसी हो जाएगी? फ्लैसिड एंड पोर विल बी क्लोज। तो ये जो है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन जो थ्योरी है दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपको पता लगा कि स्टोमेटल मूवमेंट में पोटेशियम आयन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे एक मिनरल का हमें फंक्शन पता लगा है कि वो किस में हेल्प करता है? स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट स्टोमेटल जो ओपनिंग और क्लोजिंग को और ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, देर आर टू फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए फिजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट इज लाइट। लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। हाउ? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोमेटा ओपन, और स्टोमेटा जितने ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगी? हाई होगी। और इनडायरेक्टली भी लाइट किस पर डिपेंड करती है कि अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो टेम्परेचर भी हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने से ट्रांसपिरेशन रेट विल बी हाई। तो लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन एज वेल एज टेम्परेचर। देखिए, विंड। विंड क्या करती है? जो लीफ के सराउंडिंग जो मॉइस्ट एयर है उसको रिप्लेस कर देगी। तो मॉइस्ट एयर को रिप्लेस कर देगी तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगी? हाई।
तो विंड की जो स्पीड है उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाएगी। सॉइल वाटर, जितना सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा उतना प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन उसी पर डिपेंड करेगा। अगर कंटिन्यूसली यही होता रहे और सॉइल वाटर नहीं हो तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट बिकम विल्ट, उनमें विल्टिंग होने लग जाएगी। तो सॉइल वाटर भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपिरेशन रेट। ह्यूमिडिटी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करती है। बिकॉज जब ह्यूमिडिटी होती है तो मॉइस्ट एयर है तो ये क्या करेगी कि डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करेगी, कि प्लांट से जो वाटर लॉस नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ह्यूमिडिटी है, मॉइस्ट एयर प्रेजेंट है। तो जब ह्यूमिडिटी होती है तो ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन रेट की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी। अब हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स क्या है। देखिए, लीव की जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली अफेक्ट करती है, जो लीव जो है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल भी अगर प्रेजेंट है, थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है तो वो भी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन रेट को लो करती है। और इसी के साथ ही अगर स्टोमेटा संकन है, जैसे कई डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा क्या होते हैं कि बिलो द एपिडर्मिस यानी एम्बेडेड होते हैं, उन स्टोमेटा को कहते हैं संकन स्टोमेटा। तो जो संकन स्टोमेटा भी वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। और डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइंस में। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार नीडल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ स्टोमेटा पर भी ये अफेक्ट जो है उससे भी अफेक्ट होती है। नंबर ऑफ स्टोमेटा अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगी। और ओरिएंटेशन कैसा है लीव का, यानी पोजीशन कैसी है। अगर लीव्स क्या है, डायरेक्टली राइट एंगल पर अगर एक्सपोज हो रही होगी लीव क्या है, लाइट से राइट एंगल पर अगर ये इसकी पोजीशन है तो ट्रांसपिरेशन रेट लो हाई होगी। और अगर पैरेलल उसका ओरिएंटेशन है, पोजीशन है, तो ट्रांसपिरेशन रेट लो होगी। हार्मोन्स की बात करें तो देखिए, टू हार्मोन्स हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो एब्सिसिक एसिड है वो पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट को यानी इन्फ्लक्स को अफेक्ट करता है, पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स को रोकता है। उसी का ही अपोजिट एक हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, पोटेशियम आयन के इन्फ्लक्स को प्रमोट करता है। और ये क्या करता है, सप्रेस करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट्स द पोटेशियम एंड जो एच आयन आयन ट्रांसपोर्टेशन, एंड एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है। तो हार्मोन्स का भी रोल हो गया कि साइटोकाइनिन प्रमोट ट्रांसपिरेशन एंड एब्सिसिक एसिड सप्रेस द ट्रांसपिरेशन। सो स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।